हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में यदि आपको कुछ कुरकुरा और मज़ेदार खाने का मन करे तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका पेट भर जाएगा पर आपका दिल इसको खाने से नहीं भरेगा और बहुत दिनों तक आपके जबान पे इसका स्वाद आपको याद रहेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कप मैंने चावल का आटा लिया है और आधा कप हमने गेहूं का आटा लिया है। दोनों को ही मैंने अच्छे से छान लिया है। इसमें हम आधा चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच से कम जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर लिया है। इन चीज़ों को मिक्स करके हम पानी डालते हुए इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और देखिए इस तरीके का हमारा बैटर बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहेगी। यहाँ मैंने दो मिर्चें और 4 से 6 लहसुन को पीसकर पेस्ट बनाया हुआ है और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे भी डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और यहाँ मैंने एक मुट्ठी मेथी को इस तरीके से बारीक काट लिया है, इसे डालेंगे। मेथी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, लेकिन आप मेथी की मात्रा जो है वो कम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेथी आप इसमें नहीं डालिएगा। इसे अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी और इसमें मैंने डाल दिया है क्योंकि हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, जिससे कि इसका थोड़ा सा पानी जो है वो सूख जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो पानी है वो बढ़ा दिया है। अब हम इसे ढककर रख देते हैं। 10 मिनट के बाद देखिए हमारा जो बैटर है वो नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। बेकिंग पाउडर आप इसमें अच्छे मिलाइएगा ज़रूर, इससे ये बहुत ही फ्लफी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गैस ऑन करके इस पर कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। और कुकिंग ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ही ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चम्मच में इस तरीके से बैटर लेके हमें इसमें डालना है। ये बैटर अपने आप ही अपनी एक शेप ले लेता है और बहुत ही बढ़िया नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने इसको डाला है और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। इसे हमें अच्छा सुनहरा रंग आने तक फ्राई करना है। देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। इसे पलटते हुए आप फ्राई कर लीजिए। बहुत अच्छे से आपको इसको दोनों तरफ से फ्राई करना है। आप चाहे तो इतना कलर आने पर भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और फ्राई करूंगी। देखिए अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है ये फ्रेंड्स, इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है और आपको इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही क्रिस्पी है ये, देखिए ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है ये और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विथ नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।